नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे सेल्फ हेल्प में स्वागत है। फेसबुक पर है तो आप दीप खिची पेज को फॉलो जरूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नई रेसिपी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शीत ऋतु के अंदर इसका एक लड्डू खाने से मात्र से ही महिलाओं में अद्भुत शक्ति का संचार होता है और उनके शरीर के निचले हिस्से में मजबूती आती है। उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो आप ये देख पा रहे हैं सुपारी है, लाल सुपारी आपको लेकर आनी है मार्केट से, महमूमन 250 ग्राम। ये आपका गोंद सफ़ेद पीसा हुआ सुपारी को आप पहले उखली में कूट ले और फिर उसको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पाउडर बना ले। ये आपके काजू बादाम पिस्ता नहीं डालते हैं, अखरोट और इसके साथ गुड़। जितना आप सुपारी लेते हैं उतनी ही मात्रा में गुड़, गोंद और काजू बादाम अखरोट आप इसमें डाल सकते हैं। और आप सबसे पहले क्या करेंगे, लो फ्लेम करके कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें घी और गुड़ को आप एक अच्छा सा पात बना लेंगे। पात कैसे बनेगी, लो फ्लेम दिख रही है आप, बिल्कुल धीमी आंच, लो फ्लेम का मतलब। और ये पात यानी घी डाल के उसमें आप वो गुड़ को गर्म करना है और इस प्रकार से गर्म करते रहना है कि एकदम से लसलसा एक तार दो तार की चाशनी जैसा हो जाए। वो मैं आपको बताता हूँ, तब तक मैं आपको इसमें ही गुड़ डालते हैं उसके फायदे आपको गिनवा देता हूँ। देखिए गुड़ खाने से महिलाओं में विशेष तौर से महावारी के समय ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो गुड़ में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हमें इस रेसिपी के अंदर गुड़ का उपयोग ही करेंगे न कि शक्कर का। शक्कर वैसे स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होती है, इसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम इसका इस प्रकार से पात अच्छी तरह से बना लेते हैं। ये पिघलने लग गया है और ये धीरे धीरे पिघल रहा है और इस पात को बड़ी सावधानी से लो फ्लेम यानी धीमी आंच पर ही पकाए तो अच्छा रहता है, नहीं तो कभी कभी ज़्यादा आंच तेज होने पर ये काला भी हो जाता है। देखिए ये पात बिल्कुल बन चुका है कंप्लीट। अब इसके अंदर आप जो गोंद है वो मैं इसमें डाल देता हूँ, ये गोंद मैं इसलिए डाल रहा हूँ, ये फ्लेम मैंने बंद कर दी है उसके बाद डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पहले इसको इस प्रकार से मिक्स करते रहिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लो। और इसकी गोंद जो है महिलाओं को विशेष तौर से कमर दर्द में कमर से संबंधित समस्याएं रहती है महावारी के वक्त, तो उस समस्या से निजात दिलाने के लिए आपको गोंद का उपयोग करना चाहिए। देखिए मैंने फ्लेम बंद कर रखी है, इसके अंदर ये अच्छी तरह मिक्स भी हो गया है। देखो गोंद जो होता है तो बबूल का होना चाहिए या आपका पलाश, खाकड़े का गोंद भी खाते हैं, धोखड़े का गोंद भी आता है, लेकिन जो सबसे अच्छा गोंद है आप बबूल का ले सकते हैं और धोखड़े का गोंद आप ले सकते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर जो है काजू बादाम किशमिश अखरोट जो भी है आपने खरीदे हैं और पीस कर पाउडर बनाया है उन सबको आपको इसके अंदर मिक्स कर देना है। देखिए पात बनाने के बाद आपको याद आंच रखिए बिल्कुल धीमी रखिए, नहीं तो आप इसको बिल्कुल बंद करके इस प्रकार से मिक्स करते जाइए। जब तक मिक्स होता है मैं आपको अब इसमें जो डाले गए सामान है उनका एक और जैसे काजू बादाम होता है, बादाम से क्या जैसे इससे आपका दिमाग तंदुरुस्त होता है और ये हार्मोनल डिसऑर्डर जो होता है उसको ठीक कर देता है। ये आप डाल दें सबसे अंत में सुपारी का पीसा हुआ पाउडर, लाल सुपारी का, सफ़ेद सुपारी भी आती है लेकिन वो थोड़ी कारगर कम होती है महिलाओं के रूप में खाने के रूप में, इसलिए लाल सुपारी का ही हमें उपयोग करना चाहिए। मोटे मोटे गट्टे जैसे आता है तो उसको पहले उंगलियों में कोट के इस प्रकार से मिक्सी में पीस कर पाउडर बना के इस प्रकार से आप मिक्स कर लें। और आपको लगता है घी कम है तो आप थोड़ा घी और डालें और फ्लेम को लो फ्लेम पे इसे वापस गर्म करें, जब तक तब तक करें जब तक घी पिघल नहीं जाए, ठीक है ना।
अब इस सुपारी को खाने का विशेष तो फायदा क्या, देखिए महिलाओं के बाद जब बच्चा जन्म हो जाता है, महिलाओं ने बच्चा जन्म दे दिया है, उसके बाद विशेष तौर से इसको खिलाया जाता है ताकि इससे मासिक धर्म है वो नियमित हो जाता है और बच्चा होने के बाद जो योनि द्वार फैल जाता है वो उसको खाने से वापस सिकुड़ जाता है और पहले जैसी अपनी अवस्था में आ जाता है। तो इसलिए हमें इसको विशेष तौर से खिलाना चाहिए महिलाओं को। और इसके बाद आप इसमें जो हम गोंद डाल रहे हैं, गोंद का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कमर दर्द के साथ साथ ये महिला में दूध ग्रंथियों को सक्रिय कर देती है, इसकी वजह से उसमें दूध स्वतः ही फूटने लगता है और दूध क्या है, बच्चा स्वप्न स्तनपान कर कर अपनी भूख मिटाता है। आप इसको साथ साथ में जब फ्लेम लग रही हो तो इस प्रकार से मिक्स करते रहिए और हिलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है तो उसे इसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो आपको इसको इस प्रकार से धीमी आंच पर पकाते पकाते आपको हिलाते रहना है और ध्यान रहे कढ़ाई गर्म होती है तो उसको किसी कपड़े से पकड़ लें आप, नहीं तो हाथ भी जल सकते हैं। तो अब घी पूरा पिघल चुका है तो मैंने लो फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसको केवल मिक्स कर रहे हैं। इस प्रकार से मिक्स करते रहेंगे और जब ये पूरा मिक्स हो जाता है तब हम इसके लड्डू बना के रखते हैं। इससे पहले हम सुपारी के और फायदे जान लेते हैं। इससे जो डायरिया संबंधी समस्याएं होती है महिलाओं में वो वैसे काफ़ी कंट्रोल होती है, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन अगर आप कर लें, जैसे कि अमूमन 100-150 ग्राम का एक लड्डू आप रोज खाएंगे तो इससे आपको स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप लड्डू ज़्यादा खा लेते हैं तो इससे दस्त लगने के चांस भी ज़्यादा है, इससे दस्त जल्दी लग जाती है ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि अति शरत वजते यानी अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए हमें इसका सेवन नियमित मात्रा में और निश्चित मात्रा में ही करना चाहिए, नहीं तो हमें समस्या का समाधान करना पड़ सकता है। अब जो ये आपके सामने बनकर तैयार हुआ है इसको हम सुपारी पाक के नाम से जानते हैं। सुपारी पाक पाउडर के रूप में होता है लेकिन वो दूध के साथ लिया जाता है, लेकिन हम इसको इस प्रकार से बना के खा रहे हैं। यह महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के टाने के रूप में काम करता है और उसके मासिक चक्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह मासिक दर्द, सिर दर्द, पीठ दर्द और चिंता में मदद कर सकता है और आपको अपना आत्मविश्वास वापस लौटाने में भी काम करता है। इसके साथ साथ साथियों मैं आपको इसके अलावा मासिक धर्म के अलावा ये ल्यूकोरिया में भी बहुत ही फायदेमंद। ल्यूकोरिया का मतलब होता है कि आपके महिलाओं के अंदर सफ़ेद और पीले पानी का स्राव होता है वो इसमें एकदम से बंद हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके अलावा आप ये जो इसका सेवन करते हैं तब आप किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करें। खट्टी चीज़ें खाने से इससे आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और जितने दिन आप खाते हैं उतने ही दिन का परहेज रखें, बाहरी हवाओं में नहीं घूमें। बाहरी हवा में घूमने से, हवा अंदर जाने से आपको बाद में समस्याएं हो सकती है और इसको खाने के दौरान आप अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग ना करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे खाने से बाद में मुख से संबंधित बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा सेवन भी नहीं करना चाहिए। अमूमन साल में 250 ग्राम सुपारी का सेवन आपके लिए उत्तम है, इससे ज़्यादा नहीं करें तो ठीक रहेगा। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।